जैसा कि आप जान रहे हैं, 65वीं बीपीएससी के पीटी का रिजल्ट आ गया है। ये वीडियो उन एस्पायरेंट्स के लिए है जिनका नहीं हो पाया है। सभी चाहते हैं कि उनका रिजल्ट में नाम आए, और नहीं आने पर दुख भी होता है, जो स्वाभाविक है। लेकिन दोस्त, असफलता ही सफलता की सीढ़ी बनती है। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपकी तैयारी में कमी नहीं थी? निश्चित रूप से थी। लेकिन इस असफलता के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है। 65वीं पीटी में सफल हुए एस्पायरेंट्स मेंस का एग्जाम जून 15 तक देंगे, जैसा कि बीपीएससी रिजल्ट में मेंशन किया गया है। और दो सप्ताह के बाद ही 66वीं का पीटी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कैलेंडर में बीपीएससी ने यह बताया है कि जून के अंतिम सप्ताह में संभावित है, और जून का अंतिम सप्ताह यानी अंतिम संडे होता है 29 जून 2020। तो इस प्रकार से 3 से 3.5 महीने के शॉर्ट ड्यूरेशन में पीटी और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी तो नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि 66वीं पीटी में सफल और आपको कड़ी टक्कर देने वाले 6517 एस्पायरेंट्स 66वीं के पीटी के रेस से बाहर हैं, और आपके सामने अपने सपने को सच करने का सुनहरा मौका है। नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। यदि आपका सपना एक अफसर बनने का है, तो मैं कहूँगा ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। स्वागत है आपका एमपीएन अकेडमी में। मैं हूँ मनोज प्रेम नारायण। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बचे हुए अंतिम लगभग 100 दिन की तैयारी हम लोग किस प्रकार से करें कि 66वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम, जो कि 29 जनवरी 2020 को संभावित है, उसमें हम बहुत ही आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको वीकली डिवीजन ऑफ टॉपिक्स मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए 2020 को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में किस लिए हम ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, सिमिलर डेट ऑफ एग्जाम है, तीन तीन एग्जाम आपके सामने बिल्कुल ही सिमिलर पैटर्न पे मिलेंगे जून से जुलाई के बीच में। 66वीं बीपीएससी मिली रही है, इसमें एज लिमिट है 21 से 37 साल तक जनरल के लिए या अदर स्टेट के लिए, उसके अलावा रिजर्वेशन भी होता है। मध्य प्रदेश का पीएससी का एग्जाम 2020 में होने वाला है, ये भी जुलाई में एग्जाम संभावित है, इसमें एज लिमिट रहती है 21 से 40 साल तक जनरल या अदर स्टेट्स के लिए। उत्तर प्रदेश का भी पीएससी एग्जाम होने वाला है जून में ही, इसका है एज लिमिट 21 से 40। तो तीन तीन एग्जाम बिल्कुल आसपास हैं और एक ही जैसा पैटर्न है। मेंस तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, पीटी में डिफरेंस यही रहेगा कि स्टेट का जीके, अलग अलग स्टेट का अलग अलग जीके होता है, और स्टेट का करंट अफेयर्स अलग अलग होता है। और जॉब्स इस प्रकार से आपको मिलेंगे, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी एटसेट्रा। आइए अब चर्चा करते हैं कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से बीपीएससी में 66वीं बीपीएससी में सेक्शन वाइज 10 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। लास्ट 5 साल का यदि आप स्टडी करें तो बिहार का स्टैटिक और करंट दोनों मिलाकर के 35 प्रश्न रहता है, इंडियन हिस्ट्री से 25 प्रश्न रहता है, और करंट अफेयर्स से 25। ये जो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन हिस्ट्री से तो 25 रहता ही है, प्लस बिहार से भी 10 से 12 हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो टोटल 35 से लेकर 37 प्रश्न आपको इतिहास सेक्शन से मिलते हैं। करंट अफेयर्स में 25 प्रश्न तो नेशनल और इंटरनेशनल से रहते हैं, और लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे जो कि स्टेट के करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स से रहते हैं। तो दोनों मिला के देखेंगे तो 50% ये कवर करता है हिस्ट्री और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। साइंस एंड एनवायरनमेंट से 20 प्रश्न, भूगोल से 15, इकोनॉमी और पॉलिटी से 10-10, और मैथ या रीजनिंग से 10 प्रश्न रहते हैं। कुल 150 प्रश्न आपको जनरल स्टडीज में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सिलेबस चेंज होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आएगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो सिलेबस 66वीं में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वही सिलेबस रहने वाला है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं कट ऑफ की, कि पिछले 2 साल का कट ऑफ कैसा रहा था। 64वीं बीपीएससी जो कि 2018 में एग्जाम हुआ था, तो उसमें टोटल जो रिजल्ट दिया गया था 19109, और 65वीं बीपीएससी 2019 पिछले साल जो हुआ था, इसमें जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है कल ही, तो उसमें रिजल्ट दिया गया 6517। तो देखेंगे लगभग 3 गुना रिजल्ट दिया गया है 64वीं में, क्योंकि सीट ज़्यादा था, लेकिन कट ऑफ में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। जनरल या अदर स्टेट्स के लिए देखिए 97 कट ऑफ 64वीं में भी था, 65वीं में भी वही है। जनरल फीमेल के लिए हाँ थोड़ा सा अंतर है, पहले 86 था और अब 91 हो गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पिछले साल तो वो नहीं थी, इस बार 92 रहा है, और फीमेल का रहा है 87। बीसी में देखिए पहले 93 था और 94 है, सिर्फ 1 मार्क का अंतर रहा है। बीसी फीमेल में 82 था, 88, 6 मार्क्स बढ़ा है। ईबीसी में 90 था, 92 हुआ है, 2 मार्क का अंतर है।
ईबीसी फीमेल में बहुत बड़ा ड्रास्टिक अंतर है, पहले 76 था 64वीं में, अब 86 हुआ। एसटी में बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। एसटी फीमेल में पिछला बार 80 था और इस बार तो एसटी फीमेल का जिक्र ही नहीं है रिजल्ट में। एससी में 85 था, अब 89 रहा, इस बार 4 अंक का डिफरेंस है। और एससी फीमेल में फिर से 10 अंक का डिफरेंस है। तो मैं कहूँगा कि कट ऑफ बिल्कुल ही सिमिलर ही है, तो सीट कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन का लेवल और फिर कैंडिडेट की संख्या मिला जुला करके आप देखेंगे कट ऑफ लगभग वही सिमिलर रेंज में रहता है। मीन्स यदि आप जनरल में हैं तो 100 आप मान के चलिए कि 100 आपका सही होना ही चाहिए, 100 प्लस आप टारगेट बना के चलिए, यू आर इन। यदि आपके पास एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई है तो उसको आप पूरा रिवाइज कर दीजिए। लेकिन आप यदि शुरू से पढ़ने के लिए बैठेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने का अब समय नहीं रहा, 3 से 3.5 महीने का समय है, आपको रिवाइज भी करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है 5 बुक को सेलेक्ट कीजिए। क्राउन या लुसेंट का जीके आता है उसमें से कोई एक बुक आप रखिए। बिहार सामान्य ज्ञान के लिए यदि आप हिंदी में हैं तो इम्तियाज़ अहमद की बेस्ट बुक है, यानी तो क्राउन का बिहार वाला एडिशन रख सकते हैं या कोई भी लुसेंट का भी रख सकते हैं बिहार एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम वाली बुक, ये तो मस्ट है, इसको पढ़नी ही पढ़नी है। स्पार्क का बीपीएससी क्वेश्चन बैंक रहता है, उसको हम लोग मैथ रीजनिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए यूज़ करेंगे। और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके आता है, वो स्टडी करेंगे स्टैटिक के रिवीजन के लिए। करंट अफेयर्स के लिए 2 सोर्स बता रहा हूँ मैं। एमपीएन एकेडमी पे आपको पूरी कवरेज है, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ये आता है सप्ताह में संडे को शाम को 6 बजे। मंथली करंट अफेयर हिंदी में शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होता है मंथ के एंड में। 16 सितंबर से लेकर दिसंबर तक का मंथली करंट अफेयर हिंदी में शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। जनवरी फरवरी का भी अवेलेबल नहीं है, जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा, इस प्रकार से मंथली आएगा। और बिहार का मंथली करंट अफेयर चलता ही है। तो इस तरह से एमपीएन एकेडमी पे पूरी बीपीएससी से रिलेटेड कवरेज आपको मिलेगी। इसके अलावा एक मंथली मैगजीन रखिए, कोई एक ही, प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि, आईएएस, घटना चक्र या कोई भी, जिसमें आप अक्टूबर 2019 से लेकर अप टू डेट रखिए। दोस्तों देखिए, पिछला जो बीपीएससी हुआ था वो 15 अक्टूबर को हुआ था, तो 15 अक्टूबर को हुआ था इसका मतलब है कि उससे एक महीने पहले का प्रश्न पूछा गया होगा 15 सितंबर तक का। तो 15 सितंबर के बाद यानी 16 सितंबर 2019 से लेकर के एग्जाम होने के जस्ट एक महीने पहले तक का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। और स्टेट में देखेंगे तो पिछले 6 महीने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर डिजाइन मिलेगा आपको, मंथली आपको 16 सितंबर से लेकर के अप टू डेट मिलेगा। और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज बिहार करंट अफेयर्स आपको दिसंबर 2019 से अवेलेबल होगा। किताबों को एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से किताब होती है। ये क्राउन का सामान्य ज्ञान है और ये लुसेंट का एक सामान्य ज्ञान है, दोनों से कोई एक बुक रखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बिहार जीके में इम्तियाज अहमद की ये बुक आती है, बिहार एक परिचय, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाली बुक है इसी राइटर की। तो ये दोनों बुक रखेंगे तो हिंदी एडिशन आपका कवर हो जाएगा। लेकिन यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो क्राउन का बिहार जनरल नॉलेज रख सकते हैं, अदरवाइज दूसरे पब्लिकेशन का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लुसेंट का भी चलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम वाली बुक रहती है, हिंदी में रखिए या इंग्लिश में कोई भी, लेकिन ये बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेट के लिए आपके पास एक लुसेंट की ऑब्जेक्टिव रहनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और स्पार्क की इस तरह से लेटेस्ट वाली बुक रखिए, क्वेश्चन बैंक वाली, तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। ये मैथ और रीजनिंग के लिए ये अच्छा प्रैक्टिस देगा आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो किरण इंस्टीट्यूट का एक आता है इस तरह से प्रीलिम्स शॉर्ट पेपर 1992 से 2018 तक एक्सप्लेनेशन के साथ में, ये इंग्लिश मीडियम में आपको मिलेगी। यदि आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब इस YouTube चैनल पर आपको क्या मिल सकता है दोस्तों, इस पर जो YouTube पे है ये वीडियो मिलेगा आपको, और यदि आप PDF चाहते हैं तो आपको WhatsApp ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में जानकारी वीडियो के अंत में मिलेगी। तो करंट अफेयर्स में वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज आती है हर एक संडे को शाम को 6 बजे, 30 क्वेश्चन उसमें रहते हैं, 1 दिसंबर 2019 से स्टार्ट किया गया है। और मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है 16 सितंबर 2019 से लेकर के एक महीने पहले तक, इसमें आपको कवर करने हैं 66वीं के लिए। और बिहार करंट अफेयर्स मंथली आती ही है हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये आपको 1 दिसंबर 2019 से जारी है लगातार। हिस्ट्री के लिए एक प्लानिंग बन रही है कि स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स आपके लिए तैयार करूँ रिविजन के लिए, जिसमें कि सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएँ और कम समय में रिवाइज कर लें। तो ये इस पर प्रक्रिया चल रही है, इस पर मैं तैयार कर रहा हूँ, ये प्रोबेबली मई तक फिनिश हो जाएगा।
और इसके बाद जून के फर्स्ट वीक से थर्ड वीक के बीच में इसका वीडियो जारी होगा और पीडीएफ निश्चित रूप से व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। अब 100 दिन की स्ट्रेटेजी इस प्रकार से है कि टोटल अभी हमारे पास लगभग 16 वीक का समय है, तो 14 वीक का फुल स्टडी करेंगे, 98 डेज हम लोग फुल स्टडी करने वाले हैं और 2 वीक का फुल रिविजन करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। टाइम टेबल भी निर्धारित किया गया है, जो स्टूडेंट है कम से कम 10 घंटे आप जरूर स्टडी कीजिए, और यदि आप वर्किंग में हाउसवाइफ हैं तो 6 से 7 घंटे का स्टडी आप कीजिए। इस प्रकार से फर्स्ट सेटिंग आप 3 घंटे का लगाइए, इसमें हिस्ट्री, वीकली करंट अफेयर पीडीएफ जो व्हाट्सएप पे जारी होता है उसको आप रिवाइज कीजिए। सेकेंड सेटिंग आप 3 घंटे का लगाइए, उसमें साइंस, इकोनॉमी, मंथली करंट अफेयर्स, पीडीएफ और मैगजीन, ये आपको देखना है। थर्ड सेटिंग में आप फिर से 3 घंटे का लगाइए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ रीजनिंग के सेट या मिसलेनियस इसमें स्टडी कीजिए, और 1 घंटा डेली आप रिवीजन में लगाइए, जो भी दिन भर में आपने स्टडी किया है वो रिवाइज कीजिए, और संडे को वीकली रिवाइज कीजिए। स्पार्क का प्रैक्टिस सेट, एमफेन एकेडमी का करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का जो वीडियो आता है या मंथली का जो भी वीडियो आता है वो संडे को आप देख सकते हैं। उसके अलावा स्टडी टाइम टेबल जो हाउस वाइफ के लिए उस प्रकार से है, फर्स्ट सीटिंग 3 घंटे का लगाइएगा, हिस्ट्री, इकोनॉमी, मिसलेनियस और वीकली करंट अफेयर्स पीडीएफ व्हाट्सएप से। 3 घंटे का फिर सेकेंड सेटिंग लगाइए, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, मंथली करंट अफेयर्स, पीडीएफ और मैगजीन देख सकते हैं आप। थर्ड सेटिंग में 1 घंटा प्लस मैथ रीजनिंग का सेट बनाइए, संडे को वीकली रिवीजन चलेगा, स्पार्क का बीपीएससी का सेट बनाइए और एमपीएन एकेडमी का करंट अफेयर्स के वीडियोज आप देखिए। अब आते हैं वीक वाइज जो डिवाइड किया गया है टॉपिक को। दोस्तों ये जो प्लानिंग बताई गई है आपको 14 मार्च से स्टार्ट करने का मैं प्रोबेबल डेट बता रहा हूँ, क्योंकि बीच में होली भी है, कुछ आपको बुक्स वगैरह इकट्ठा करने हैं और कोई काम है निपटा लीजिए, क्योंकि जैसे सारे काम निपटा करके 14 मार्च को आइए तो उसके बाद लग जाइए, उसके बाद आपके पास कोई फालतू का समय नहीं होना चाहिए। तो पहला वीक है 14 से 20 मार्च तक, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। हिस्ट्री में एंशंट इंडिया में भारत में धार्मिक आंदोलन तक आपको स्टडी करना है। करंट अफेयर्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पहला और दूसरा नंबर रिवाइज कीजिए पीडीएफ से या वीडियो देखिए। सितंबर 2019 के मंथली करंट अफेयर्स 16 से 30 सितंबर तक के शॉर्ट नोट्स जो आपको हिंदी में प्रोवाइड किए जाते हैं व्हाट्सएप पे, ये देखिए आप। साइंस में फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, केमिस्ट्री में मैटर, बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम तक, इकोनॉमी में लेसन 1 स्टडी कीजिए, पॉलिटी में लेसन 1 और 2 और मैथ रीजनिंग में बीपीएससी का सेट नंबर 15 बनाइए, और मिसलेनियस में नेशनल इंस्टीट्यूशन राष्ट्रीय संस्थाएं ये आपको स्टडी करनी है। ये मैं क्राउन बुक से ले रहा हूँ, आप अकॉर्डिंगली लूसेंट से भी चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीक 2 में आते हैं, एंशंट इंडिया में पोस्ट मॉडर्न इंडिया तक आप स्टडी कीजिए, करंट अफेयर्स में तीसरा और चौथा, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, अक्टूबर 2019 का मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है वो। साइंस में आप फिजिक्स में मोशन, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वर्ल्ड ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर तक, इकोनॉमी में लेसन 2 स्टडी कर लीजिए, पॉलिटी में लेसन 3 और 4, मैथ रीजनिंग में सेट नंबर 14 बनाइए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। वीक 3 में आप स्टडी कीजिए एंशंट इंडिया में रेस्ट ऑफ द सिलेबस, तो वीक 3 तक आपका एंशंट इंडिया फिनिश हो जाएगा। करंट अफेयर्स में पांचवा और छठा नंबर और 2019 का नवंबर महीने का करंट अफेयर्स आप स्टडी कीजिए शॉर्ट नोट्स हिंदी में पीडीएफ या मैगजीन के साथ। साइंस में आप ग्रेविटेशन, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पीरियोडिक वर्गीकरण, बायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर तक, इकोनॉमी में लेसन 3 और पॉलिटी में लेसन 5 और 6, मैथ और रीजनिंग में सेट नंबर 13 बनाइए और मिसलेनियस में स्टैटिक पोर्शन स्पोर्ट्स वाला देखिए। वीक 4 में आते हैं, मेडाइवल इंडिया शुरू करना है, तुगलक डायनेस्टी तक स्टडी कीजिए, करंट अफेयर्स में 7 और 8 नंबर, वीकली टेस्ट सीरीज, दिसंबर 2019 का मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स हिंदी में और बिहार का करंट अफेयर्स दिसंबर वाला ये आपको देखना है। साइंस में थ्रस्ट एंड प्रेशर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, बायोलॉजी में फंगस और प्लांट किंगडम, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी तक स्टडी कीजिए, इकोनॉमी में लेसन 4, पॉलिटी में लेसन 7 एंड 8, मैथ रीजनिंग में आप सेट नंबर 12 बनाइए, मिसलेनियस में इंडिया वाला सेक्शन कंप्लीट कीजिए। वीक 5 में मेडाइवल इंडिया में आप सोर्सेस ऑफ मुगल एम्पायर तक फिनिश कीजिए, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 9 और 10, जनवरी 2020 का आप मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में और बिहार करंट अफेयर्स जनवरी महीने का स्टडी कीजिए। साइंस में फिजिक्स में वर्क एनर्जी एंड फंक्शन, केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड साल्ट, बायोलॉजी में एनिमल किंगडम, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इसमें द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया तक स्टडी कीजिए, इकोनॉमी में लेसन 5 तक, पॉलिटी में लेसन 9 एंड 10,
मैथ रीजनिंग में सेट नंबर 11 और मिसलेनियस में वर्ल्ड वाला सेक्शन कवर कीजिए। वीक 6 में आते हैं, इसमें हम लोग मेडाइवल इंडिया में रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो वीक 6 तक मेडाइवल इंडिया भी आपका खत्म हो जाना चाहिए। करंट अफेयर्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज नंबर 11 और 12, फरवरी महीने का आप मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट हिंदी में और फरवरी महीने का ही बिहार करंट अफेयर्स स्टडी कीजिए। साइंस में फिजिक्स का वेव मोशन एंड साउंड ये स्टडी कीजिए। केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड डिडक्शन कीजिए और बायोलॉजी में द सेल कोशिका। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में द रिवर सिस्टम इंडिया स्टडी कीजिए। इसमें इकोनॉमी में लेसन 6, पॉलिटी में लेसन 11 एंड 12, मैथ रीजनिंग में सेट नंबर 10 बनाइए, मिसलेनियस में कंट्री और कैपिटल को देखिए। अच्छा, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, इसमें यदि आप इंडिया का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में बिहार का भी उसी पीरियड का आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी स्टडी करना है, तो ये ध्यान रखिए, उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। मॉडर्न इंडिया में हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन तक स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स में बजट वाला सेक्शन कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट का 2020 का स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है, उसका पीडीएफ देखिए। और बिहार में इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 और बजट 2020-21 दो वीडियो सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है, वो आप स्टडी करेंगे। साइंस में आप फिजिक्स में हीट, केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉनमेटल्स, बायोलॉजी में सेल डिवीजन, ज्योग्राफी में क्लाइमेट स्टडी कीजिए, इकोनॉमी में लेसन नंबर 7 और पॉलिटी में लेसन नंबर 13 और 14, मैथ रीजनिंग के लिए सेट नंबर 9 बनाइए और मिसलेनियस में एरिया क्षेत्र वाला देखिए। वीक 8 में आते हैं, इसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया में सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग तक स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स में 13 और 14 नंबर का और मार्च का मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स हिंदी में और बिहार करंट अफेयर्स मार्च वाला ही एडिशन देखेंगे। साइंस में फिजिक्स में लाइट, केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बायोलॉजी में बोटनी वाला सेक्शन जो है वो कवर करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे। इकोनॉमी में लेसन नंबर 8, पॉलिटी में लेसन नंबर 15 और 16, मैथ रीजनिंग में सेट नंबर 8 स्टडी करेंगे और मिसलेनियस में करेंसी। आते हैं वीक 9 में, हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न इंडिया में 1857 की क्रांति तक स्टडी करने वाले हैं। करंट अफेयर्स में 15 और 16 नंबर का वीकली करंट अफेयर सीरीज और अप्रैल 2020 का मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में और बिहार का भी अप्रैल वाला मंथली करंट अफेयर्स देखना है। साइंस में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में रेस्ट ऑफ द सिलेबस जितना भी है उसको फिनिश कर लेना है, बायोलॉजी में एनिमल टिश्यूज स्टडी करना है, ज्योग्राफी में सॉइल्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमी में लेसन नंबर 9, पॉलिटी में 17 एंड 18 लेसन और मैथ रीजनिंग में सेट नंबर 7 बनाएंगे और मिसलेनियस में मैप में एशिया का मैप हम लोग अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। हिस्ट्री में आइए, तो हिस्ट्री में फिर मॉडर्न इंडिया में 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण जो है वो आपको स्टडी करना है। करंट अफेयर्स में 17 और 18 नंबर और मंथली करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लीजिए सितंबर से लेकर नवंबर 2019 तक का, चाहे मैगजीन से करें या मंथली शॉर्ट नोट्स जो हिंदी में प्रोवाइड किए जाते हैं उससे रिवाइज कीजिए, आपको नवंबर तक का रिवाइज करना है। साइंस में फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, बायोलॉजी में स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टडी करेंगे, इकोनॉमी में लेसन नंबर 10 और पॉलिटी में लेसन नंबर 19 एंड 20, मैथ रीजनिंग में सेट नंबर 6 बनाएंगे और मिसलेनियस में यूरोप का मैप स्टडी करने वाले हैं। वीक नंबर 11 चले आइए, इसमें मॉडर्न इंडिया में हम लोग 1905 से लेकर 1919 तक ये स्टडी करने वाले हैं। करंट अफेयर्स में 1920 नंबर और मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज करना है दिसंबर 2019 से लेकर के जनवरी 2020 का, बिहार का भी और नेशनल एंड इंटरनेशनल वाला भी। साइंस में फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स फिनिश करेंगे, बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्सेज एंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इसको स्टडी करने वाले हैं, इकोनॉमी में लेसन नंबर 11, पॉलिटी में लेसन 21 और 22, मैथ रीजनिंग में सेट नंबर 5 बनाइए और मैथ में इस बार नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों आपको मैप स्टडी करना है। वीक नंबर 12 में आते हैं, इसमें मॉडर्न इंडिया में 1919 से 1947 तक गांधी जी वाला चरण जो है वो आपको स्टडी अच्छे से करनी है। करंट अफेयर्स में 21 और 22 नंबर देखिए, मंथली में आपको बजट वाला सेक्शन पूरा देख लेना है, बिहार वाला नेशनल इंटरनेशनल और फरवरी 2020 का बिहार और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखना है। साइंस में फिजिक्स में रेस्ट ऑफ द सिलेबस फिनिश कर लीजिए, बायोलॉजी में द सर्कुलेटरी सिस्टम तक, ज्योग्राफी में मिनरल रिसोर्सेज देखिए, इकोनॉमी में लेसन नंबर 12, पॉलिटी में लेसन नंबर 23 और 24, मैथ रीजनिंग में सेट नंबर 4 बनाइए और मिसलेनियस में अफ्रीका का मैप स्टडी कीजिए। वीक नंबर 13 आते हैं, उसमें मॉडर्न इंडिया में
इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इसको स्टडी करना है। करंट अफेयर्स में 23 और 24 नंबर, मई 2020 का आपको मंथली वाला और बिहार करंट अफेयर्स दोनों स्टडी करना है। साइंस में बायोलॉजी द नर्वस सिस्टम तक, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इंडस्ट्री इन इंडिया ये स्टडी करना है। इकोनॉमी में लेसन नंबर 13, पॉलिटी में लेसन नंबर 25 और 26, और मैथ रीजनिंग में सेट नंबर 3 बनाइए, और मिसलेनियस में ऑस्ट्रेलिया ओसीन एंड अंटार्क्टिका ये स्टडी करना है। अब आते हैं वीक नंबर 14, इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया का रेस्ट ऑफ द सिलेबस, जितना भी है उसको फिनिश कर लेना है। करंट अफेयर्स में 25 और 26 नंबर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ये स्टडी करना है। मंथली करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स रिवाइज करना है मार्च से लेकर मई 2020 तक का। साइंस में रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला सेक्शन भी फिनिश करना है। ज्योग्राफी में रेस्ट ऑफ द सिलेबस फिनिश कीजिए। कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज स्टडी करनी है, और पॉलिटी में लेसन नंबर 27 स्टडी करनी है। मैथ और रीजनिंग का सेट नंबर 2 बनाइए, और मिसलेनियस में पॉपुलेशन वाला सेक्शन देखिए। तो ये 14 वीक का हमारा स्टडी एक बार हो गया है फुल सिलेबस का। अब हम रिवाइज करेंगे, 2 वीक का समय बचा हुआ है अभी भी एग्जाम में। पहले वीक में क्विक रिविजन करेंगे पूरे इंटायर सिलेबस का, जिसमें हिस्ट्री होगा, और एमपीएन अकेडमी इसी यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप पे आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिलेगा, वो आपको स्टडी करनी है। वीडियो देखिए यूट्यूब पर और पीडीएफ व्हाट्सएप पे। करंट अफेयर्स 16 सितंबर 2019 से लेकर के 31 मई 2020 तक का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला पीरियड। इसको जितनी बार आप रिवाइज कर सकें पीडीएफ को उतना अच्छा, एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। पॉलिटी और साइंस और मैथ रीजनिंग का सेट नंबर 1, तो पॉलिटी और साइंस में पूरा सिलेबस का रिवाइज करना है, ध्यान रहे। तो लास्ट रिवीजन है, हिस्ट्री का फिर से रिवाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि सेकंड टाइम इसलिए करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लगभग 25% क्वेश्चन इसी से आते हैं। और एमपीएन अकेडमी का हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स वीडियो और पीडीएफ भी आप देखिए। करंट अफेयर्स को फुल टाइम रिवीजन करना है फिर से एक बार, सेकंड टाइम करना है, क्योंकि यहां से भी आपको 25% क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स मैं बता ही चुका हूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। उसके बाद ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, इकोनॉमी का पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, और मिसलेनियस वाला सेक्शन पूरा रिवाइज करेंगे। दोस्तों, पहले जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती थी उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं रहता था, लेकिन अब संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन इसका हिंदी में रहेगा, लेकिन प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल रहेगा। इसके लिए कुछ सहायता शुल्क है, हेल्पिंग फी है, लेकिन ये आपको 13 मंथ्स के लिए मिलेगा, दिसंबर 2019 से शुरू होकर के दिसंबर 2020 के लिए। सिर्फ यदि आप बिहार करंट अफेयर्स चाहते हैं, जिसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और मंथली बिहार करंट अफेयर्स होगा इन 13 महीनों के लिए, तो उसके लिए ₹300 चार्ज है। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो हर एक संडे को शाम को 6 बजे आती है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर किया जाता है, उसके लिए पीडीएफ ₹400। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज साथ साथ में मंथली करंट अफेयर जो कि सिर्फ हिंदी में आती है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का अपलोड हुआ है वीडियो, जनवरी और फरवरी का कंटेंट अभी तैयार नहीं है, उसको मैं जल्दी कंटेंट तैयार कर लूंगा, तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा पीडीएफ। और ये सेक्शन है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, इसमें बिहार शामिल नहीं है, ₹500। और वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल का हिंदी वर्जन, और बिहार करंट अफेयर्स यदि आपको पूरा पैकेज चाहिए तो ₹600। दोस्तों, ये एक बहुत ही मामूली शुल्क है, साल भर का आपको मिल रहा है 13 महीने का। ये बहुत जरूरी था चैनल के ग्रोथ के लिए, हम चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट तैयार कर सकें, तो इसीलिए ये इसकी व्यवस्था की गई है। बैंकिंग डिटेल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा। बैंकिंग डिटेल है प्रियंका कुमारी के नाम से, जिस यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको, एफसी कोड, अकाउंट नंबर, फोनपे, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे के थ्रू से भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366000556, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजेक्शन करके स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए, इस पर आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कृपया करके व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, ये भी जरूर मेंशन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।